हेलो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1 जुलाई आ चुका है। इट मींस 2019-20 का जो सेशन था उसमें डिसाइड किया गया था कि प्लास्टिक बैन होगी। तो 1 जुलाई, क्योंकि जून का मंथ चल रहा है, जुलाई में बैन होने वाला है। तो दोस्तों, जुलाई में प्लास्टिक बैन हो जाएगी, जिसके वजह से बेरोज़गारी और स्क्रैप का जो बिजनेस करते थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान का काम होगा। क्योंकि 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन होगी, तो जो बिजनेस करने वाले थे, जिनकी बिजनेस प्लास्टिक से ही चलती थी, जैसे कि अमूल की बात कर लो, अमूल कंपनी को भी बहुत बड़ी झटका लगने वाली है। उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट से अपील किया है कि गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन ना करो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पता है कि प्लास्टिक से नुकसान बहुत ज़्यादा है। रियल मात्रा में अगर हम बात करें तो रियल फैक्ट है कि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा नुकसान हम देख रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक में ना बहुत केमिकल्स होते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट तो बनते नहीं है, प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं है, इसलिए इसको और भी बैन करने का भी मुद्दा देखा जा रहा है, सवाल उठ रहा है कि हाँ, प्लास्टिक को बैन करने से क्या होगा, खेती बाड़ी भी अच्छी से हो सकती है, इन्वायरमेंट में भी सुधार आएगा और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि रोज़ाना 2 से 3 मिलियन हम प्लास्टिक ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया भी पीछे बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया भी रोज़ाना प्लास्टिक का यूज़ करता बहुत ज़्यादा। तो मोदी सरकार क्या करी, 1 जुलाई को डिसाइडेड था कि प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो जाएगी, इंडिया में कहीं भी प्लास्टिक यूज़ नहीं होगी। अब अमूल कंपनी प्लास्टिक स्ट्रॉ बनाती है, क्योंकि आपने फ्रूटी देखा होगा, शादी पार्टी में जाते हो जो प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं, तो ये सब भी तो है, अमूल कंपनी का ही बना होता है। और आप कोल्ड ड्रिंक देख लो, आप डोसा पिज्जा बर्गर खाते हो, साथ में क्या लेते हो, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, उसमें स्ट्रॉ होती है। या गन्ने की जूस गर्मियों में देख लो, कहीं लंगर लगे हैं या कहीं पे पार्टियां हैं, तो सब क्या करता है, 1 टाइम ग्लास यूज़ करता है। इट मीन्स 1 टाइम ग्लास यूज़ का मतलब तो प्लास्टिक की बनी होती है, जिसको आप सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, रिसाइकिल बिन होने के कारण बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट इस पे सोच विचार कर रही है कि प्लास्टिक बैन करे या ना करे, क्योंकि अमूल कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है कि कुछ दिनों के लिए और भी हमें टाइम दे, ताकि हम कुछ अपने लिए कुछ कर सकें। जाहिर सी बात है, अब सब कुछ मोदी पे है, मोदी का निर्णय होगा, मोदी क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार वही चला रहे हैं और उनकी ही सरकार अभी चल रही है, बीजेपी की, जो हम सभी को पता है। तो प्लास्टिक जो भी सेलर है, परचेजर है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होंगे कि हम बाय करें या सेल करें। तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ टाइम देख लें, रुक लें, और प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बैन हो रही है और कई बिजनेसमैन लोगों को घाटे का शिकार भी देखा जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।